आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को भी इस सरकार के बदलने से, सोच बदलने से इस राज्य में भी जो वातावरण बन रहा था उस वातावरण को रोकने का काम किया जा रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव पर पूरे देश में उत्सव का वातावरण है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अन्य संगठन हो या हर घर का व्यक्ति अपने अपने घर में तिरंगा लगा रहा है और आजादी के उत्सव को मना रहा है। आपको ध्यान में होगा आज से करीब 15 दिन पहले मैंने भी एक बैठक किया था यहाँ के सभी प्राइवेट विद्यालयों के साथ और मैंने उस समय जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक हुई थी और मैंने सबसे आग्रह किया था कि सभी स्कूलों को आजादी का इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए प्रेरित किया जाए और हम लोग जब मंत्री थे तो उस समय मुख्य सचिव के स्तर पर डिप्टी सीएम की उपस्थिति में, राजकिशोर जी की उपस्थिति में एक बैठक भी हुई और उस बैठक में भी यह हुआ कि सभी विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि वे लोग अपने अपने विभाग के अंतर्गत और सभी शिक्षा विभाग खास करके अपने स्कूल कॉलेजों में इस उत्सव को पूरे 3 दिन मनाए। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि आजादी का अमृत महोत्सव जो पूरे दुनिया भारत की ओर देख रही है, ऐसे समय में बिहार भी उससे अछूता नहीं रहेगा। बिहार में भी हर कोने पे हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम सुना हो रहा था। 6 तारीख को जब कोविड के केसेस 225 थे, पॉजिटिव केसेस, 12 तारीख को जब ये ऑर्डर आता है, 11 तारीख को 120 केसेस और 12 तारीख को 140 केसेस, यानी आप देख सकते हैं कि जो कोविड का हमारा सरकार दे रही है उसके ग्राफ में कमी ही आई और जो ग्राफ है भी पिछले 15 दिनों का वो 130 से लेकर 120 के बीच का है, यानी कोविड में कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई ऐसा विषय नहीं आया जिसके लिए आप इतने बड़े आयोजन को रोक दिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी इससे कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर क्या सरकार बदलने से इस देश में तिरंगा को फैलाने का उत्सव भी अलग हो जाएगा, क्या सरकार बदलने से इस देश में जो उत्सव का वातावरण आजादी के अमृत महोत्सव पर बनना था उसको आप रोक देंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अभी भी अपील करता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव संकल्प का दिवस है, हमारे भविष्य के भारत के बच्चे जो स्कूल में इस दिन को मनाना चाहते थे पूरे उमंग के साथ, कभी मैं कई विद्यालयों में गया था, आपको कई विद्यालय में मैं कभी गया था झंडा वितरण करने के लिए, इतने बच्चों में उत्साह था तो मैं क्या बताऊं, सब लोग उमंग और उत्साह के साथ भरे हुए थे, सबको लगा था कि हम अपने घर में भी तिरंगा फहराएंगे और 15 अगस्त को आपके स्कूल में भी आकर इस विषय का महत्व समझते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। दुर्भाग्य है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की सरकार का कि आजादी के अमृत महोत्सव को भी कहीं न कहीं पूरे भविष्य के भारत को महरूम कर दिया है और मुझे इस बात पर बहुत ही आपत्ति है, पीड़ा हुई है कि आज देश का हर नौजवान, हर युवा इस महोत्सव में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है और बिहार के नामी आलोक को इससे दूर कर दिया गया है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।